हेलो एवरीवन, आपका अपने ही चैनल पीएस एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के कुछ इम्पॉर्टेंट सेंटेंस को देखेंगे। ऐसे सेंटेंस जिसमें दो कार्य एक साथ होते रहते हैं, तो ऐसे सेंटेंस हमें कई बार मिलते हैं पेपर में भी, और लोग भी हमसे पूछ लिया करते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट टेंस के सेंटेंस हैं, इनको आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हुए हैं और यहाँ पर ट्रांसलेट करना बताएंगे कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए, अगर इस तरह के सेंटेंस होते हैं जैसे कल मैं अपने पिता के आने के पहले ही सो गया, तो यहाँ पर दो काम हो रहा है, जब पिताजी आए उसके पहले ही वह सो गया था। तो इसमें क्या होता है, जो काम पहले होता है, मतलब मैं पहले ही सो गया था, बाद में पिताजी आए थे, तो जो काम पहले होता है उसका ट्रांसलेशन हम पहले करते हैं, और जो बाद में होता है उसका ट्रांसलेशन हम बाद में करते हैं। तो इस तरह से हमें ट्रांसलेशन करना होता है। तो देखिए, इसका कैसे हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, आ था, ई थे, ए था, ए थे जब आता है टेंस के अंत में, मतलब वाक्य के अंत में, तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रत्येक कर्ता के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ हैड का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड होती है। तो देखिए कैसे हम बनाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे कल मैं सो गया था, इतने की इंग्लिश पहले बनाएंगे, कल मैं सो गया था, उसके बाद पिताजी आए थे, पिताजी के आने के पहले ही मैं सो गया था, तो सबसे पहले मैं सो गया था, इसका हम ट्रांसलेट करेंगे। तो कल मैं सो गया था, अब यहाँ पर पास्ट टेंस है, इसका मतलब क्या होगा कि जो बीता हुआ कल होगा, मैं सो गया था, तो इस तरह से यहाँ पर बनेगा। तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे अब यहाँ पर क्या है, पास्ट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, कर्ता के अनुसार, चाहे कर्ता एकवचन हो चाहे बहुवचन हो, सबके साथ हम हैड लगाते हैं, तो हो जाएगा यस्टरडे आई हैड। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, सोने का कार्य हो रहा है, क्रिया हमारा सोना है, तो यहाँ पर स्लेप्ट हो जाएगा, स्लीप का थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, यस्टरडे आई हैड स्लेप्ट, कल मैं सो गया था। अब पहले की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बीफोर। अब कितना बचा, पिता के आने से यहाँ पर क्या हो गया, कल मैं सो गया था पहले ही, अब बचा हमारा कितना है, पिता के आने से, तो इतना हम लास्ट में लिख देंगे, बीफोर माई फादर arrived, मेरे पिता के आने से पहले, कल मैं पिता के आने से पहले ही सो गया था। तो इस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, यस्टरडे आई हैड स्लेप्ट बिफोर माई फादर arrived। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं फिल्म शुरू होने के पहले ही सो गया था, मैं फिल्म शुरू होने के पहले ही सो गया था, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, पहले सो गया था, मैं सो गया था, फिल्म शुरू बाद में हुई थी, तो सबसे पहले मैं सोया था, इसलिए यहाँ पर मैं सो गया था, इसका ट्रांसलेशन पहले करेंगे। तो क्या हो जाएगा, आई हैड, यहाँ पर कुछ सोचना नहीं है कि आई के साथ लगे क्या लगेगा, और मतलब कि कोई भी यहाँ पर कौन सा करता है, यहाँ पर हमें सोचना नहीं है, सबके साथ हमें हैड लगाना है, आई हैड स्लेप्ट, हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे कोई भी परफेक्ट टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगती है। आई हैड स्लेप्ट, मैं सो गया था, बिफोर द फिल्म स्टार्टेड, फिल्म शुरू होने से पहले ही मैं सो गया था। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं उसे बहुत समय से जानता था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड नोन, आई हैड नोन हिम, मैं उसे जानता था, कब से जानता था, मैं उसे बहुत समय पहले से जानता था, तो क्या हो जाएगा, आई हैड नोन हिम फॉर
अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं बचपन से ही तैरना जानता था। तो इसका भी इसी तरह से बनाएंगे, आई हैड नोन how to swim। मैं जानता था कैसे तैरा जाता है, कब से? बचपन से। हाउ टू स्विम सिंस चाइल्डहुड। मैं बचपन से ही तैरना जानता था। नेक्स्ट सेंटेंस है, जब वह 8 साल की थी तभी से वह खाना बनाना जानती थी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, वह खाना बनाना जानती थी, इसका हम सबसे पहले करेंगे, तो क्या हो जाएगा, सी हैड। यहाँ पर देखिए सिंगुलर है, फिर भी हम हैड लगाएंगे, सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ हमें हैड ही सहायक क्रिया लगानी है। सी हैड नोन हाउ टू कुक। कुक मतलब होता है खाना बनाना। हाउ टू कुक कब से जानती थी, सी 8 साल की थी, सी वाज 8। वह जब 8 साल की थी तब से ही वह खाना बनाना जानती थी। नेक्स्ट है, मेरे आने के पहले ही वह ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। तो सबसे पहले वह ऑफिस के लिए निकल चुकी थी, उसके बाद में आया था, तो पहले कौन सा कार्य हो रहा है, जो कार्य पहले हो रहा है उसका हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, सी हैड लेफ्ट फॉर ऑफिस। वह ऑफिस के लिए निकल चुकी थी पहले, पहले के लिए लिखेंगे बिफोर, मेरे आने के पहले, बिफोर आई केम। मेरे आने के पहले वह ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, जब तक हम वहाँ पहुँचे वह केक काट चुका था। तो क्या हो जाएगा, बाय द टाइम वी गॉट देयर, जब हम वहाँ पहुँचे, वी गॉट देयर ही हैड कट द केक। बाय द टाइम वी गॉट देयर ही हैड कट द केक। नेक्स्ट है, जब तक पुलिस पहुँची वो दो लोगों की हत्या कर दी थी। तो क्या हो जाएगा, बाय द टाइम पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस वहां पहुंची, दे हैड किल्ड, कितने लोगों की, दो लोगों की, किल्ड टू पीपल, उसने दो लोगों की हत्या कर दी थी। तो इस तरह से आज हमने कुछ सेंटेंस लिए हुए थे और पास्ट टेंस के सेंटेंस थे, जिसमें दो कार्य एक साथ होते हैं, एक कार्य होने वाला होता है और एक कार्य होता है,
तो उसको हम कैसे बनाते हैं ये चीज़ आज हमने सीखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।